आज मैं आप लोगों को ये स्विच बॉल होता है, इसको जिम बॉल भी बोला जाता है, इसमें एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। जो सीपी वाले बच्चे रहते हैं उन लोगों के इससे एक्सरसाइज करा जाता है। इससे हम लोग जो है मसल्स स्ट्रेंथन करते हैं और कोर मसल्स को भी स्ट्रेंथन करते हैं। इससे जो है कि हम लोग डेली जो सीपी चाइल्ड वाले रहते हैं उन लोगों को एक्सरसाइज कराते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग जो रहेगा ऐसे करके इसको बैठाएंगे, ठीक, यहाँ हिप ज्वाइंट के पास से पकड़ेंगे यहाँ से ऐसे, तो इसको ऐसे करते हैं। जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में क्या, इसी ज्वाइंट से पकड़ते हैं, ज्वाइंट से तो ऐसे आगे ये रहा, पीछे आगे करते हैं, पीछे आगे पीछे 10-20 रिपीटेशन कराएंगे ऐसे, ठीक। फिर तो उसके बाद साइड भी कराते हैं, इस साइड हो गया, इस साइड, ये हो गई एक्सरसाइज। फिर उसके बाद जो हम लोग पीठ की साइड लेटा इसको बच्चे को करते हैं, लेटो इस पर, हाँ ऐसे लेट जाएगा बच्चा, तो ऐसे करके कराएंगे। इसमें क्या रहता है सब लोग दिखाते हैं, लेकिन मैं पैर का आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पैर हम लोगों को रहता है, जो सीपी वाले बच्चे रहते हैं उन लोगों का जो है एड़ी हमेशा उठा रहता है, जैसे नीचे दबाते तब भी उठा रहता है। इसके लिए हम लोग करना क्या चाहिए, यहाँ से आप लोग ग्रिप करेंगे अच्छे तरीके से, यहाँ से पकड़ के ये देख सकते हैं आप फील को, ऐसे करके नीचे दबाएंगे इसको, कि पूरा नीचे प्रॉपर दबेगा ऐसे करके पूरा करेंगे इसका। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 15 रिपीटेशन कराएंगे, देख लेंगे अगर बच्चा नहीं रोता, ठीक, ये हो गया एक्सरसाइज। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी पर आएगा बच्चों को ऐसे आगे की तरफ ऐसे करेंगे, ले जाएंगे फिर लाएंगे पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ ले जाएंगे पीछे लाएंगे, आगे ले जाएंगे फिर पीछे ऐसे, ये तो हम लोगों को ऐसे होगा। पेट की साइड फिर इधर दूसरे साइड से करेंगे ऐसे करके बच्चे को, ये इधर ऐसे रहेगा बच्चा, यहाँ से भी ये ऐसे भी आप पैर का करा सकते हो, जो पैर हम लोगों को रहता है एड़ी वाला इधर से पकड़ेंगे, यहाँ से उधर भी पकड़ा रहेगा कोई, यहाँ से पकड़ के नीचे लाएंगे ऐसे, 1 2 ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि एड़ी बहुत जरूरी होता है, नीचे टच होना चाहिए, 3 4 5 6 ऐसे करके टेढ़े लेगा बच्चा यहाँ से, फिर उसको इस पर कराएंगे ऐसे रहेगा, ऐसे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, इस साइड हो गया। फिर दूसरे साइड में करवट ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे करवट साइड, उसको साइड लाइन बोलते हैं, फिर यहाँ से भी ऐसे बच्चा रहेगा, फिर ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम लोग जो रहेगा बोर्ड पे ऐसे एक्सरसाइज बच्चे का कराएंगे, जितनी एक्सरसाइज ले, ठीक है। फिर ये भी कर सकते हैं, ऐसे लेट जाएगा बच्चा, ये रहा ऐसे करके भी ले जाएंगे, यहाँ पकड़ लेंगे सब एक्सरसाइज, फिर बच्चा ऐसे लिटा के बच्चों को जो डिलेड मैजिक स्टोन के रहते हैं ऐसे बच्चा लेट जाएगा पेट की साइड, ऐसे ऊपर से ऐसे करेंगे, इसे प्रेशर लगता है इसमें थोड़ा सा बच्चों को, प्रोप्रिएशन रहता है, इम्प्रूवमेंट आता है बच्चों को, दोनों साइड से आगे पीछे दोनों साइड से कर सकते हैं, ठीक। इतनी एक्सरसाइज होगी जो कि हम लोग जिम बॉल से करेंगे या स्विच बॉल इसको बोला जाता है, ये हो गया एक्सरसाइज। फिर नेक होल्डिंग के लिए भी इससे कराते हैं, गर्दन को होल्ड करने के लिए ऐसे रहेगा बच्चा, इस पर लेट जाएगा ऐसे लेटा रहेगा बच्चा, यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक, यहाँ से पकड़ते हैं ऐसे करते हैं ऐसे, तो बच्चा क्या करता है ये अपना, हाँ गर्दन ऊपर करो, ऊपर करो ऐसे, गर्दन ऊपर ऊँचा करेगा ऐसे पकड़े रहेंगे, गर्दन उठाएगा, गर्दन उठा तो आप नीचे यहाँ साथ लगाए रहेंगे यहाँ पर पैर ऐसे करके, उसको बच्चों के यहाँ पास ऐसे रखें तो ऐसे करके गर्दन उठाएगा ऐसे,
ऐसा करके गर्दन उठना चाहिए बच्चे का, वन टू ऐसे ऊपर करेंगे, कुछ भी दिखाएंगे तो ऊपर करेगा, तो इससे नेक होल्डिंग हम लोगों का होता है। ऐसे करके यहाँ पर रखा रहेगा, फिर हाथ को भी ऐसे करके यहाँ पर रख के ऐसे ऐसे करके करते हैं, ऐसे बच्चा होल्ड करता है, ऐसे ऐसे खड़ा हुआ ऐसे स्टैंड है। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज होता है, अगर आप घर पर करते हैं बच्चे का कराते हैं तो जल्दी से रिस्पॉन्स मिलेगा इसमें।